साइलेंस, किसी का मोबाइल बजेगा तो गायब। जिसको बात करना है उधर जहां लास्ट गाड़ी उसके पीछे चले जाओ। साइलेंस, ये ऐसे ही लगाया था ना, ऐसे ही लगाया ready? अभी रोड ब्लॉक करना ब्लॉक कम से कम 14 साल के लिए अंदर ठीक है। सन डाउन है क्या? अजय वो लाइट के सामने खड़े हैं क्या लोग? नहीं नहीं सर, इस तरफ आइए थोड़ा सा, अपने को ब्लॉक बन गया। चलो हो गया सर, मेरे पास है नहीं सर। रेडी रेडी सर, टेक सर, टेक रेडी सर, ब्लॉक है, ब्लॉक ब्लॉक है, ब्लॉक। चलो गोइंग फॉर टेक, थैंक यू, ओके ओके। और सर ए भाई दादा, अरे रुक ना, वो फ्रेम से हट रहा भाई। रेडी रोलिंग साउंड रोलिंग एप कर टेक थ्री एक्शन। बात बताओ मैडम, अगर आपको सजा हुई तो कितने साल की होगी? कम से कम 14 साल के लिए अंदर चाहिए। चुप कर, सिर्फ एक एक बात पूछो मैडम, सिर्फ एक बात।
तो फिर कौन है कातिल? मैडम ये किस्सा लंबा है, बहुत ही सुना है। मैडम जी खबर कर दी है, गाड़ी आने में तो टाइम लगेगा। कौन है कातिल? कोरा तकदीर चले कवार लगे खून से बाहर सब कोरा के हाथ दिली है मेरे सब पहली है जब उधर से ले शाम। चलो चलो रेडी रेडी चलो रोड ब्लॉक करो चलो वहीं बात टेक रेडी सर और सर लैपटॉप एक्शन। आज का मेनू दाल साइड जाती है और मैं सिर्फ रख लगा के उधर गया ऊपर लग गया। सही है सही, इसकी मैं आगे लेके और आ गया और आ गया। नहीं नहीं सुनो, ये हाइट लो, ये ऊपर का हाइट लो पहले, ये वाला ऊपर। अच्छा ये पड़ा था ना, चल सही है, फिर रहने थोड़ा उधर ले, थोड़ा सुनो ऐसा बैंड करना हल्का। प्रॉपर चेक किया और झंडा वंडा सारी चीजें लग गए, स्पॉन्सर गए, ये देखिए क्या रेट है, आ जाओ उधर से इधर आओ, मैगजीन चेंज। चलो चलो आ जाओ, घंटी लगे अमित एक दिन 16 सितंबर को बंद कर दिया, कल से नहीं पीएंगे, बढ़ जाती है डेली, दो पैकेट कुछ पहुँच चुकी है। कौन सा ये मूवी का था याद नहीं आ रहा, वो फिल्मी बॉक्स वालों का कुछ तो था। अच्छा रेडी लास्ट सर इधर ध्यान रखना।
ये ऑफ क्यों किया रे? ऑन करो भाई प्लीज। ओके आने जाते कुछ भी तैयार अभी लाइन बना रहे ले वो लोग छत मार लेना थोड़ा सा वो गाड़िया पे है ये वो लोग आ रहे हैं Thank you.
तो एकदम लग रहे है फुल। अरे झंडा मुंह पे आ भैया जी, स्माइल जरा। छापने कुछ मतलब नहीं, लोग कोई जानता नहीं है, छापने का तो उधर छाप हो गया इन लोगों का। एड में तो थोड़ा अंदर ले सकते हैं। हाँ? चलो यार मैं ही बैठ जाता हूँ। थोड़ा ऐसा 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 ज्यादा फिर दो बार गया था। अरे योगेश भाई, अरे ग्लास दे दे सेटिंग दबा, स्टेप चालू करो और इसमें चाय है कुछ डालो कि हो रहा है। ठीक है, सही है सही है। पढ़ने वाले ये लोग बिना मेहनत करके हुए देख रहे हैं। दिखेगा कैसे फोकस से सुबह से इधर आइए सर। वो रेडी Tony Sam Silas rolling clap clap take 2 action सरकार भी ना गलत करती है, प्यार करने वाले हाथों में बंदूक उठा लिया। ये वाला डायलॉग जो होगा ये खत्म होते यहाँ से इधर से
मलंग इश्क मलंग इश्क टाइटल तो सुन के बिल्कुल कैची है, लेकिन क्या टाइटल के पीछे ऐसे फिल्म में क्या देखने मिलेगा इश्क मलंग? एक्चुअली ये कहानी है एक बंदे की जो कि इश्क में इतना मलंग हो गया है, जिसको अपनी मोहब्बत के पीछे क्या क्या करना पड़ता है और वो किस तरीके से जो उसने खोया है उसका रिवेंज लेने के लिए वो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करता है, ये फिल्म उसके बारे में है। तो इस वजह से इसका नाम इश्क मलंग है। आज फर्स्ट डे है शूट का, तो कुछ आइडिया दे पाओगे कि आज क्या शूट हो रहा है यहाँ पे या क्या सीन पिक्चराइज होने वाला है? आज बेसिकली फर्स्ट डे है फिल्म का, मुहूर्त और पंकज त्रिपाठी और हमारी को एक्ट्रेस जो हैं मौली गांगुली, उनका सीन शूट हो रहा है। और बेसिकली ये जो सीन है ये फिल्म के एक तरीके से डिवाइस है, जो कि फिल्म में किस तरीके से क्या क्या होता है वो इन्हीं दो कैरेक्टर्स के थ्रू हमें पता चलता है। तो वो सारे सीन्स आज हम शूट कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से चेन है जो कि पूरी फिल्म को एक साथ बांधता है। तो वो सारे सीन्स आज हम शूट कर रहे हैं। मौली के साथ में इससे पहले आपने काम किया है, ये फर्स्ट टाइम है? नहीं, मौली के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, पंकज के साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ। यशराज का हम दोनों ने साथ में शो किया था पाउडर, और प्लस दूसरा हम दोनों दिल्ली से हैं, पंकज NSD से हैं और मैं एक्ट वन करके एक ग्रुप था वहाँ पर थिएटर करता था, तो हम दोनों एक दूसरे को दिल्ली से जानते हैं। और फिल्म का लगभग 80% पोर्शन बनारस में शूट होने वाला, रियल लोकेशन पे, तो इसको लेकर कितना एक्साइटमेंट है, क्या क्या कहना चाहोगे इसके बारे में वहाँ पे शूट? एक्चुअली मैं बनारस कभी नहीं गया, बस मैंने सुना ही है, तो आई थिंक एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू बनारस। वहाँ के घाट, वहाँ की गंगा, वहाँ पर जिस तरीके से लोग रहते हैं, जिस तरीके से फॉरनर्स का एक अजीब सा हुजूम वहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो वो सारी चीज़ें, वहाँ का खाना, वहाँ का पीना, वहाँ के लोग, और सबसे बड़ी बात है अब तो केजरीवाल और मोदी की भी वहाँ से फाइट हो रही है, तो वहाँ जाके देखेंगे कि क्या हो रहा है वहाँ पे। इसे भी सुनने की इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग भी है जी, तो उसके बारे में कुछ आपको बेसिकली आइडिया मिले किस तरह का आइटम सॉन्ग है, अगर हो तो आपको क्या लगता है कि बनारस से रिलेटेड कुछ धमाकेदार होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा आइडिया यही है कि आइटम सॉन्ग जो है वो हम किसी तरीके से उस रीजन को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे कि बनारस और UP को मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि एक इंटरेस्टिंग सा उसको एक गाना बनाएं जिसको लोग देख के मज़ा आए। फिल्म के अलावा एक आपको सवाल पूछना चाहूँगा, अगर आपको मस्त मलंग इसकी जो प्रोमो है, प्रोमो काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है, खूब बहुत अच्छा रिस्पांस मिला लोगों से, तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, किस तरह का रिस्पांस? मस्तनाम के प्रोमोज काफ़ी अच्छे हैं, इसका काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किए हैं, और इंटरनेट पे तो खास करके करीब करीब 16-17 लाख हिट्स हो चुके हैं, और जितने भी और सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रमोशंस हो रहे हैं, जितने भी लोग मिल रहे हैं उनको काफ़ी एक्साइटमेंट है। लेट्स सी, अब तो सिर्फ कुछ कम ही टाइम रह गया है, अब देखते हैं, 9 तारीख को वो आ रही है, अब देखेंगे आगे क्या होगा। कितनी उम्मीद है इस फिल्म को लेकर आपको? उम्मीद बहुत है, ये फिल्म चलनी चाहिए, एक इंटरेस्टिंग फिल्म है, एक डिफरेंट आइडिया है, एक कॉन राइटर की कहानी है, फिक्टिशियस बायोग्राफी है, जो कि एक्चुअल में 1980 में एग्जिस्ट करता था हिंदी बेल्ट में, जिसे हम काउ बेल्ट कहते हैं, पर किसी को भी उसके बारे में पता नहीं है कि वो कौन था, कहाँ से था, तो हमने उसका एक फिक्टिशियस एक बैकड्रॉप बनाया है, उसको मनाली में प्लेस किया है, और क्योंकि आइडिया जो है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से उसको बोलेंगे कि कंट्रोवर्शियल है, कंट्रोवर्शियल मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है, तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है ऑडियंस का। हमने अपनी तरफ से बहुत ही क्लीन फिल्म बनाई है, सो वी आर कॉन्फिडेंट। पर कहीं सेंसर के इसमें कुछ कंट्रोवर्सी जैसा आपने कहा जी, कुछ हो चुकी है या हो रही है? नहीं, सेंसर सरप्राइजिंगली जो है, जो प्रोमोज और फिल्म को सर्टिफिकेट जो है वो UA मिलने के काफ़ी चांसेस हैं, ट्रेलर को तो UA मिल चुका है, और मेरे ख्याल से फिल्म को भी UA मिल जाएगा, क्योंकि एज सच अगर जब आप फिल्म ये देखेंगे तो उसमें कोई भी एडल्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कहानी है एक राइटर की जो कि कुछ करना चाहता है और समाज उसको वो चीज़ करने ही नहीं देता, पैसा, फैमिली, उसको सब संभालनी है, और ये मेरे ख्याल से हर किसी की कहानी है, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला इंसान हो, हम जो भी अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं कई बार हम वो नहीं कर पाते हैं,
और फिर किस तरीके से हम वो करने की कोशिश करते हैं जो जिसमें शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि हम करेंगे, और किस तरीके से फिर हम उसी में अपनी खुशी पाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही इसकी भी कहानी है, एक राइटर बनना चाहता है पर किस तरीके से लोग उसे मजबूर कर देते हैं पॉन लिखने के लिए, और उसी में वो अपनी खुशी पा लेता है। उसमें अलग अलग कई छोटी छोटी स्टोरियाज है जी, तो इसमें से हर स्टोरी में आपका कंट्रीब्यूशन है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस फिल्म में जैसे हीरो के तो बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हर इंसान की कोई ना कोई अपने बचपन की फैंटेसी रही होती है, कोई पड़ोस की भाभी रही होती है या कोई टीचर रही होती है, उसी चीज़ को ह्यूमन इमोशन है। शायद हमें कई बार हमें घबराहट होती है ये चीज़ एक्सेप्ट करने में पब्लिकली कि मेरा पहला प्यार कौन था, तो क्रश रहता है एक आपका, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो आपकी कोई पड़ोस की कोई लड़की हो, कोई ना कोई हमेशा रहता है। तो उसी चीज़ को हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है, जो कि हमारी कहीं ना कहीं टैगलाइन भी है फिल्म में कि कहानियाँ भी जो होती हैं वो आसपास से ही निकलती हैं। ऐसा नहीं है कि कहानियाँ कोई अलग से कोई चमत्कार हो जाता है और आपको अचानक से ख्याल आ जाता है कि ये कहानी होगी। कहानियाँ आसपास से ही निकलती हैं, जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आपके साथ घटता है या जो आपके आसपास वालों के साथ घटता है, तो उसी में से निकली हैं। तो इस वजह से जो जो उस कैरेक्टर के साथ होता है वो उन्हीं को लिखने की कोशिश करता है जो उसके साथ हुआ है। ये पर्टिकुलर मूवी में आपने जो हीरो का रोल अदा किया है, इसमें कहाँ तक का पागलपन है इश्क में जो है, आपने कहा रिवेंज की बात है जी, तो कहाँ तक मतलब अलग सा कुछ आप दिखाने जा रहे हैं इसमें? ये थोड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है एक्चुअली, मैंने कभी ये जॉनर अभी तक किया नहीं है, रिवेंज थ्रिलर। तो आई एम वेरी एक्साइटेड दैट हाउ इट इज़ गोइंग टू शेप अप, और इस जो कैरेक्टर की जो डेप्थ है, मैं एक्चुअल में वो चीज़ महसूस करना चाहता था कि एज एन एक्टर कि जब एक इंसान प्यार खोता है तो उस खोने पर उसको वो किस हद तक जा सकता है, उस चीज़ के लिए क्या कर सकता है, वो किसी को मार सकता है, किसी को तबाह कर सकता है, अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से वो जीता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो मैं इस रोल में एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ एज एन एक्टर। अपकमिंग है ना, यही तो अपकमिंग है, ये तो अभी शुरुआत जैसे हो गई है। हाँ, तो इसके अलावा आप नया कुछ अलग? इसके अलावा मैं मिल रहा हूँ कुछ लोगों से, काफ़ी स्क्रिप्ट्स हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जो कि अच्छी बात है, बॉलीवुड में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स आने शुरू हो गए हैं। तो लेट्स सी, अभी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, अभी आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मस्तराम्स रिलीज एंड आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इश्क मलंग, लेट्स सी। अब किनको अदर्स कितने सालों से आप पिक्चर देखते आए हो, आपका तो आपके लिए कौन है एक आइडल रहता है ना अपने बारे में? इतने ये थ्रिलर है एक किस्म की और लव स्टोरी भी है इश्क मलंग जो है। तो और ये फिल्म का बिगनिंग का सीन कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक डेजर्ट सी जगह है जहाँ पे ढाबा लगा है, वहाँ पे दो कैरेक्टर बैठे हैं, फिल्म यहाँ से शुरू होती है फिर ख़त्म भी होती है इधर, तो एक किस्म से शुरुआत है फिल्म का ये यहाँ से। बाकी थ्रिलर है, कमाल की स्क्रिप्ट है, मतलब हर वक्त एक थ्रिल बना रहता है कि आगे नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो वही है, मेरा भी इंटरेस्टिंग रोल है उसमें। जहाँ तक सीन अभी हमने जो देखा है तो मौली शायद आपसे कुछ पूछना चाह रही है। हाँ, कातिल कौन है, कुछ इंक्वायरी कर रही है कातिल कौन है। वो दरअसल पुलिस वाली हैं, वो मुझसे निकलवाना चाह रही हैं और मैं उनको घुमा रहा हूँ, बातों में उलझा रहा हूँ, बार बार एक नई झूठी कहानी बोल रहा हूँ। अब वो जो कहानी बता रहा है वो झूठी है या सच्ची है वो कहानी, ये तो पर्दे पर दिखेगा फिल्म में। आज सातारा में शूट हो रहा है मुहूर्त आज फिल्म का, इसका 80% बनारस में शूट होना है, तो बनारस को लेके कितना एक्साइटमेंट है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत है, बनारस से काफ़ी जुड़ा हूँ, मेरी तीन फिल्में जो मेरे करियर की अहम फिल्में हैं वो बनारस में ही बनी हैं, इसके लिए हम फिर जा रहे हैं, तो शायद ये भी एक अहम फिल्म होगी मेरे लिए। गर्मी थोड़ी ज़्यादा होगी बनारस में उन दिनों, लेकिन वो घाट नदी लोकेशन फिल्म के लिए ज़रूरी है वहाँ जाना, क्योंकि कहानी शुरू उधर होती है, नॉर्थ में बेस्ड है, तो अच्छे एक्साइटेड हैं हम लोग, मज़ा आएगा बनारस में। जहाँ तक कहानी भी नॉर्थ पे बेस्ड है, हाँ, बनारस में शूट होने वाला है, तो कहा जा रहा है कि इसमें एक धमाकेदार आइटम सॉन्ग भी, हाँ, हाँ, है जी जी। तो आपके मुताबिक किस तरह का, कितना धमाकेदार होना चाहिए आइटम सॉन्ग?
वो तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर तय करेंगे, हम तो एक्टर हैं, हमारा काम है अपना रोल ठीक से निभा के चले जाना। बट आई एम श्योर वो लोग अच्छा बनाए होंगे, गाने तो बहुत अच्छे बने हैं, मैंने सुने हैं गाने, कमाल गाने बने हैं। दो नए लड़के हैं, टैलेंटेड हैं, नई जोड़ी है, उन्होंने म्यूजिक किया है। जब इस कहानी को लेकर आपको अप्रोच किया गया तो आपको कहानी में क्या पढ़ के ऐसा लगा कि मुझे इस फिल्म को करना चाहिए? क्योंकि एक स्क्रिप्ट में फ्रेशनेस है, एक नई स्क्रिप्ट है, ताज़ी स्क्रिप्ट है, सच्चाई है। डायरेक्टर और पूरी टीम में बड़े यूथ हैं, आप देख रहे होंगे जितने असिस्टेंट हैं सब यंग लड़के लड़कियां हैं, तो एक जोश है, एनर्जी है उनमें, स्क्रिप्ट में एक ईमानदारी है, ये सब चीज़ें थी जो लगा कि यार मुझे इसका हिस्सा होना चाहिए। सिद्ध अपने आनंद जी प्रोड्यूसर बहुत ही ह्यूमन बींग, अच्छे इंसान, जेंटलमैन है, पूरी तरह से ट्रस्ट कर रहे हैं इन यूथ पे कि अच्छा तुम लोग बनाओ। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर हैं जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। इस फिल्म के अलावा कोई और प्रोजेक्ट सब चल रहे? हाँ, सिंगम 2 चल रहा है अभी, और एक ग्लोबल बाबा करके फिल्म है वो चल रही है, एक माउंटेन मैन है केतन मेहता का, नवाजुद्दीन सिद्दीकी में, एक स्नीफर है, बंगाली डायरेक्टर हैं उनकी, तो ये सब फिल्में चल रही हैं साथ में, सब इस साल आ जाएंगे, साल के एंड तक। थैंक यू। फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे जो आज यहाँ पे शूट हो रहा है, फिल्म को आपने प्रोड्यूस किया है, तो क्या मतलब क्या देखिए आपने प्रोड्यूस किया, क्या लगा आपको कि फिल्म को प्रोड्यूस करना चाहिए, क्यों ऐसे लगा? नहीं, ये मूवी का स्टोरी जो बहुत अच्छा है, अलग ट्रीटमेंट इसमें कर रहे हैं हम लोग, और ये अलग पिक्चर है, मतलब आज तक देखी है जो बॉलीवुड में उससे अलग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, स्टोरी अलग है, रिवेंज लव सब एक्स्ट्रा मिक्स मसाला, हिंदी मसाला मूवी। ये डायरेक्टर है जो आर्टिस्ट लोगों को आपने सिलेक्ट किया, तो क्या स्टोरी के हिसाब से सिलेक्ट किया है? जी, स्टोरी के हिसाब से ही सिलेक्ट किया, कास्टिंग डायरेक्टर रिक्रूट किया था, उसकी वजह से जैसे स्टोरी बैकग्राउंड है उसकी वजह से आर्टिस्ट को भी सिलेक्ट कर दिया। तो आज सातारा में इसका पहला शूट हो रहा है, आगे कहाँ कहाँ इसका शूट करने का प्लानिंग है आप लोगों का? अभी इसके बाद सातारा के बाद मुंबई और उसके बाद बनारस में शूट करने वाले हैं हम। इसमें कितने गाने होंगे? इसमें 4 गाने होंगे, उसमें से एक आइटम सॉन्ग होगा, हाँ, और एक ये अपना एक आइटम सॉन्ग के लिए आपने किसी को अप्रोच किया है कि उसका भी कुछ सॉन्ग या थीम रेडी हुआ है, किस तरह का आइटम सॉन्ग? नहीं, मतलब हम लोग देख रहे हैं, अच्छा हम लोग को जैसे चाहिए वैसे अभी सॉन्ग देख रहे हैं, तो वो हो जाएगा। वैसे अभी हम शूटिंग में बिजी है, उसकी वजह से वहाँ पे ध्यान नहीं दे पा रहे, बट यहाँ से जैसे फ्री होंगे तो आइटम सॉन्ग भी हो जाएगा। और एक कितने दिनों में फिल्म कंप्लीट करने का आपका प्लानिंग? मतलब अबाउट 45 डेज के ऊपर, 45-60 डेज का मतलब प्लानिंग है हमारा। इस हिंदी फिल्म को आपने प्रोड्यूस किया, इसके बाद भी कोई और प्लानिंग से फ्लोर पे की कोई और भी मूवी आपके सामने? जी जिसे प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं? जी मतलब जैसे भी स्क्रिप्ट आएगी, जैसे भी कौन से भी अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे जो दिल को छू जाए ऐसे, तो कौन से भी कर देंगे। थैंक यू। निशांत पवार।